हेलो फ्रेंड्स, आज मॉडर्न हिस्ट्री का 6th लेक्चर है और आज हम एजुकेशन पॉलिसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें हमने जो पिछले लेक्चर लिए हैं, हमारे 5 लेक्चर हुए हैं, उसमें हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल देख लिया। ब्रिटिश रूल जब इंडिया में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने जो कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था प्रोसेस, वो भी हमने देखा, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप हुआ इंडिया में उनका, वो भी हमने स्टडी किया है, राइट। सोशल कल्चरल पॉलिसीज और उनका इम्पैक्ट भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। तो आज का टॉपिक जो है वो हम उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को कैसे डेवलप किया और उसका प्रोपोगेशन कैसे किया, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया एजुकेशन का, वो कैसे किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ये हम सबको मालूम है। लेकिन जब वो स्लोली स्लोली उनका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करने लगे, तो उनको रिक्वायरमेंट किस बात की थी कि लोकल पीपल उनके ट्रेड को सपोर्ट करे, उनके ट्रेड में पार्टिसिपेट हो, राइट। एज अ वर्कर्स, लेबरर्स की ज़रूरत थी उनको, तो लेबर्स कैसे क्रिएट होंगे, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी और जो लोकल पीपल थे उनकी लैंग्वेज वर्नैकुलर लोकल लैंग्वेज थी, तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन करने के लिए एजुकेशन देना पड़ेगा, उनका एजुकेशन इट वॉज अ एंग्लोसिस्ट एजुकेशन, और हमारा जो एजुकेशन था वो ओरिएंटलिस्टिक एजुकेशन था। मतलब बहुत सारे, मतलब हम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते थे इन वर्नैकुलर लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, ये सब हमारे लोकल पीपल्स के पास था, राइट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम उनको हमारा एजुकेशन दे तो शायद वो एजुकेट हो सकते हैं और एक वर्किंग क्लास डेवलप हो सकता है। इस हिसाब से उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो पार्लियामेंट के पास नहीं था, जब ब्रिटिश के यहाँ आई तब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट्स लगाए थे, तो उस चार्टर्ड एक्ट में भी बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस थी जो एजुकेशन के रिलेटेड थी। उन्होंने 1813 को क्रिश्चियन मिशनरीज को भी परमिशन दे दी कि वो इंडिया में आके क्रिश्चियन प्रमोट करे। उसके बाद एनलाइटन इंडियंस जो थे, मतलब जो मॉडर्न थिंकर्स थे, तो वो भी इनके ही फेज में थे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे एजुकेशन देना चाहिए, जो हमारा लोकल एजुकेशन है इट इज़ नॉट गुड, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली। अगर ब्रिटिशर का जो एजुकेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगा तो डेवलपमेंट हो सकती है यहाँ पे, ऐसा एनलाइटेड इंडियंस का भी मानना था, कि ब्रिटिशर्स के साथ ही थे इस बारे में, ठीक है। तो ये 3 एजेंसीज इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मॉडर्न एजुकेशन। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लाई है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट वाज रियल मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वांट अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। अब अगर उनको यहाँ पे पॉलिटिकल बेस डेवलप करना है, ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो लोकल पीपल का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर उनको लोकल पीपल्स को ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन है, मतलब जो एंग्लोसिस्ट एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन है, वो अगर उनको मिल जाता है तो वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव में उनका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटो था ब्रिटिशर्स का। एजुकेटेड इंडियंस वुड बी मोर ट्रूली डिस्पोज टूवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। अब ये तो बात फिक्स है, अगर उनको एजुकेट करेंगे, उनको उनका एजुकेशन देंगे, तो वो ब्रिटिशर के, मतलब उनको ही सपोर्ट करेंगे। एजुकेटेड इंडियंस कैन बी कंज्यूमर बेस फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इट वॉज वन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उनको उनका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में लाके बेचना था। अगर बेचना है यहाँ पे तो उनको उस प्रोडक्ट के बारे में इम्पोर्टेंस तो बताना ही होगा, राइट। तो उस प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस बताने के लिए उसका एजुकेशन देना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एजुकेशन देने के लिए यहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं, ठीक है, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी एक एग्जांपल है कि
हमारे इंडिया में वड़ा पाव बिकता है, राइट? तो वड़ा पाव से ज्यादा बेटर बर्गर है, ये कैसे हम प्रूव करेंगे? अगर उनको एजुकेशन देंगे, ठीक है, एजुकेशन से ही उनको पता चलेगा कि वॉट इज बेटर, ठीक है? इस तरह ब्रिटिशर्स जो थे वो उनका एजुकेशन यहाँ पे प्रमोट कर रहे थे ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, अब वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हुआ क्या था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए 1813 में चार्टर्ड एक्ट पास हुआ, और उस चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ था, क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई थी कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करे, और मोर और लेस दे वर सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। बहुत सारे लोग जो थे, ठीक है, वो स्टडी करने लगे, जो मॉडर्न थिंकर्स थे ब्रिटेन के हो गए, यूरोप के हो गए, उनका स्टडी करने लगे, उनकी जो मोटिवेशनल बुक्स थी वो भी पढ़ने लगे। इससे क्या होता था, उनका जो रैशनलिज्म बिहेवियर था, ह्यूमैनिज्म बिहेवियर था, साइंटिफिक टेम्पर हो गया, ये सब इट वॉज कोलैटरल विद द ब्रिटिशर्स। मतलब उनकी थिंकिंग पावर जो थी वो ब्रिटिशर के जैसे ही हो गई थी, ठीक है। इट यूटिलाइजिंग द वेपन्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर द कन्वर्जन, ये एक बहुत ही मेजर मोटो था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। जो इंडियंस थे, जो हिंदूज, मुस्लिम्स और बाकी रिलीजियन पीपल थे इंडिया में, उनको कन्वर्ट करना इन द क्रिश्चियनिटी, ये बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट रोल था फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। हमने अभी ब्रिटेन गवर्नमेंट, क्रिश्चियन मिशनरीज, एनलाइटेड, ये दो देख लिए। अभी जो एनलाइटेड इंडियंस थे उनका क्या रोल था, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब एनलाइटेड इंडियंस का क्या मतलब है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी टू दी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी मतलब गांव के लोग हैं उनका लाइफ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो थिंकिंग लेवल एक हाई लेवल पे जानी चाहिए, ठीक है। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है उसका कन्वर्जन वो एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी में करना चाहते थे, इसीलिए वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे इन द एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसे लाई, सबसे पहले हमने ये देखा कि चार्टर्ड एक्ट 1813 में उन्होंने जो प्रोविजंस डाली थी एजुकेशन के लिए, तो क्या प्रोविजन थी वो, कि सम ऑफ 1 लाख रुपीज वॉज केप्ट असाइड फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द नेटिव पीपल्स। मतलब जो बजट पेश होता था, जो चार्टर्ड एक्ट था, ठीक है, वो चार्टर्ड एक्ट में जो भी एलोकेशंस थे बजट के, ठीक है, तो उसमें से 1 लाख, ठीक है, उतने पैसे वो साइड में रखते थे एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन एजुकेशन के लिए तो वो एजुकेशन क्या देंगे, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ फ्रेमवर्क होने चाहिए, कुछ स्टेप्स होने चाहिए कि आप एजुकेशन देने वाले हो तो कौन सा एजुकेशन देने वाले हो, एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, या क्या कुछ क्या टाइप का एजुकेशन आप प्रोवाइड करने वाले हो इस पैसों से। तो वो फ्रेमवर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो वो फ्रेमवर्क बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की थी फॉर दी पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो 1823-24 में क्या हुआ था, कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। वही फॉर्म करने के लिए, ठीक है, एक एजेंडा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम देने का, तो उसके लिए वो कमिटी फॉर्म की गई थी। तो उसमें भी एंग्लोसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, इन दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई कि अगर आप एंग्लिसिस्ट एजुकेशन देना चाहते हो तो क्यों देना चाहते हो, और ओरिएंटलिस्ट देना चाहते हो तो क्यों। क्योंकि ओरिएंटलिस्ट क्या था कि जो भी लिटरेचर्स है, जो लोकल पीपल्स है, उनका एजुकेशन, राइट। और एंग्लिसिस्ट का क्या एजुकेशन था, जो भी यूरोपियन मॉडर्न एजुकेशन था वो एंग्लिसिस्ट एजुकेशन था। तो सबसे पहले इसमें कंट्रोवर्सी हो गई कि अगर आप एजुकेशन देना चाहते हो तो कौन सा एजुकेशन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस सोसाइटी को, ताकि ये सोसाइटी अच्छी तरह से लाइफस्टाइल उसका कंडक्ट करे। तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स सामने आए, कोई ब्रिटिशर्स थे और कोई इंडियंस थे, राइट। अब यहाँ पे जो मैकॉले है, ही वॉज एन एंग्लिसिस्ट, राइट, मतलब वो ब्रिटिश का जो नॉलेज है, ब्रिटिश का जो एजुकेशन है
उसको प्रमोट कर रहे थे और उनके अंडर ही एक कमिटी बनाई थी 35 में। तो वो हम आगे देखेंगे कि मैकॉले के अंडर जो कमिटी फॉर्म की गई थी तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए। उसके बाद जो हमारे यंग और मॉडर्निस्ट लीडर थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये भी एंग्लोसिस्ट का सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि ये संस्कृत पढ़ के ये प्रीवियस नॉलेज जो है हमारे बुक्स में कल्चर में ये स्टडी करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली, कुछ डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, सोसाइटी में डेवलपमेंट चाहिए, तो यूरोपियन एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन इज द बेस्ट पार्ट टू लिफ्ट द पीपल्स फ्रॉम द पुअरर सोसाइटी टू द मॉडर्निस्ट सोसाइटी। और एक भी लीडर थे जेम्स प्रिंसिप, ये भी ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे मतलब कॉलेजेस ओपन किए थे, संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता किया था, राइट, ये भी ओरिएंटलिस्ट अप्रोच के थे। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने दोनों का बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया था, यूरोपियन स्टडी भी किया था और इंडियंस का भी स्टडी किया था, और दोनों का कंपेरिजन करके उन्होंने बताया था कि जो हमारा एजुकेशन है उसमें बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, वो हमारे इंडियन सोसाइटी से निकलनी चाहिए। तो इसीलिए एंग्लिसिस्ट नॉलेज जो है, ठीक है, यूरोपियन नॉलेज जो है वो बेनिफिशियल रहेगा जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसको बाहर निकालने में। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, तो उनका व्यू क्या था कि अगर एंग्लिसिस्ट नॉलेज देंगे तो क्या देंगे, एक्चुअली टेक्निकल, वोकेशनल या लिटरेचर, मतलब जो नॉलेज प्रोवाइड करना है वो किस बारे में होगा। ठीक है, अगर आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है जो एजुकेशन सिस्टम में डालना है आपको, ठीक है, तो वो किस बारे में होगा। इस कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। अगर आप लिटरेचर उनको पढ़ाओगे तो उसमें डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। अगर आप पूरा टेक्निकल नॉलेज दोगे तो आपकी जो बैक हिस्ट्री है वो आप पूरी तरह से भूल जाओगे। तो इसके इससे भी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, अगर आप पूरा का पूरा टेक्निकल नहीं दे सकते या पूरा का पूरा लिटरेचर नहीं दे सकते, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्बो करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा एक कॉन्ट्रोवर्सी था कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ करें। ठीक है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो जो वर्नैकुलर पीपल्स, लोकल पीपल्स है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी सॉल्व करने में या स्टडी करने में। अगर वर्नैकुलर लैंग्वेज यूज़ करोगे तो टेक्निकली इट्स डजेंट साउंड गुड, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज जो है वो टोटली इंग्लिश में था। तो इससे भी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि लैंग्वेज यूज़ करें तो कौन सा यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस उन्होंने बहुत सारी कमिटीज फ्रेम करके सॉल्यूशन तो निकाल लिया, हम वो भी स्टडी करेंगे डिटेल में, जो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन है, वुड्स डिस्पैच थ्योरी, उसमें बहुत मतलब जो उनके रिकमेंडेशन है वो भी हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो और थर्ड जो था कंट्रोवर्सी में वो था कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब क्या कि एक ऐसा ग्रुप चूज करेंगे ऊपर लेयर, ऊपर का मतलब जो रिच ग्रुप है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हम, और उससे क्या होगा कि वो एजुकेशन वो ऑटोमेटिकली डाउन फिल्टर्ड होता जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। तो वो डाउन फिल्टर्ड कैसे होगा, एजुकेशन टू बी परकोलेटेड डाउन फ्रॉम दी अपर कास्ट, एक अपर क्लास को एजुकेशन देंगे और वो ऑटोमेटिकली डाउन फिल्टर्ड होता जाएगा। इट ऑल्सो सिलेक्टेड अ फ्यू इंडियंस फॉर टू बी एजुकेटेड फर्स्ट, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को एजुकेशन देना इंडियंस पीपल को, और वो इंडियन पीपल्स उस सोसाइटी में जाके उसका प्रमोशन करेंगे, और फिर वो जो पीपल है बाकी के वो भी स्लोली ऑटोमेटिकली उसमें भी वो परकोलेट होता जाएगा। दिस एजुकेटेड इंडियंस वुड इन टर्न एजुकेट द मासेस, मतलब क्या कि ये ऑटोमेटिकली इंकलकेट होता जाएगा, कुछ चुनिंदा लोगों को अगर हम एजुकेशन दें तो वो ऑटोमेटिकली बाकी के मासेस को भी एजुकेट करता जाएगा। ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। लेकिन ये फील्ड मतलब ये जो थ्योरी है वो भी कॉन्ट्रोवर्सी में थी, क्योंकि इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट इफ
वन अपर क्लास इज एजुकेटेड, देन ऑटोमेटिकली बाकी की जो क्लास है लोअर क्लासेस वो ऑटोमेटिकली वो एजुकेशन सिस्टम में आ जाएंगे. ये तो इम्पॉसिबल था, नियरली इट वॉज इम्पॉसिबल. अब देखो यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट का मैं क्या मानना था, दैट ओरिएंटल लर्निंग शुड नॉट बी इग्नोर, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप लिटरेचर का स्टडी नहीं करोगे, ठीक है, मतलब जो पुराने हमारे लिटरेचर से, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो जो स्टोरी है बहुत सारे, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हम उनका स्टडी नहीं करेंगे तो हम, हमारी जो सोसाइटी है वो अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसा ओरिएंटलिस्ट का मानना था. ठीक है, तो अगर आपको मॉडर्न एजुकेशन देना है तो वो वर्नैकुलर लैंग्वेज में देना होगा, ये भी उनका मानना था. एंड मास एजुकेशन शुड बी गिवन थ्रू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से ही आप लोगों को पढ़ा सकते हो, ऐसा ओरिएंटलिस्ट का मानना था. लेकिन वॉट इनका क्या मानना था कि जो इंडियंस है, ठीक है, इंडियन की जो लर्निंग है, जो लिटरेचर है, इट इज़ इन्फेरियर टू यूरोपियन लर्निंग. ठीक है, यूरोपियन का जो नॉलेज है, जो बुक्स है, जो नॉलेज है, वो इट इज़ अ टेक्निकल बेस्ड नॉलेज. ठीक है, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है. तो उन्होंने हमेशा इंडियन लर्निंग को हमेशा इन्फेरियर समझा है. ठीक है, दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ सोसाइटी, दे मतलब क्या कि इंडियंस इन ब्लड एंड कलर, ठीक है, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट, ऑल्सो इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इंटेलेक्चुअल. ठीक है, वो दिखने चाहिए सिर्फ, उनका ब्लड जो है, ब्लड और कलर जो है वो सिर्फ इंडियन होना चाहिए, बाकी इंटेलेक्चुअली, ओपिनियन, मॉरली वो यूरोपियन होने चाहिए, ऐसा एंग्लिसिस्ट का मानना था. ठीक है, इसीलिए जो लॉर्ड मैकॉले है उन्होंने एक थेरी प्रपोज की थी. ठीक है, उसमें से मतलब उनकी जो थेरी थी डाउन फिल्ट्रेशन थेरी, ठीक है, ये भी उन्होंने प्रपोज की थी. और इससे क्या होता था कि दे वेर हैप्पीली एक्सेप्टेड द प्रपोजल दैट द थेरी, वॉट एवर एजुकेशन वी हैव टू गिव, इट शुड बी ए एंग्लिसिस्ट नॉलेज. अब उस टाइम के जो गवर्नर थे बेंटिक, ही हिमसेल्फ ही वॉज अ यूटिलिटेरियन, मतलब वो भी एंग्लिसिस्ट को ही सपोर्ट कर रहे थे. तो 1837 को क्या हुआ था, इंग्लिश वॉज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एजुकेशन एंड पर्शियन वॉज एबॉलिश्ड एज अ कोर्ट लैंग्वेज. अब यहाँ पे एक और फेज स्टार्ट होता है, उनको अगर इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में एजुकेशन देना है तो इंग्लिश यहाँ पे लाना ज़रूरी है. इसीलिए यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज को एबॉलिश करके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाती है और एजुकेशन भी इंग्लिश में दिया जाता है. दिस सिस्टम वर्क टिल 1854 when the new setup of English was introduced. ठीक है, जब तक कोई नया सेटअप नहीं आता है इंग्लिश का तब तक ये सिस्टम फॉलो होती है. 1854 को क्या होता है, एक नई सिस्टम आती है एजुकेशन की, उसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोलते हैं. तो ये जो है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच थेरी, इसको ही मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है. मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है, एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क, ठीक है, एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क जो सोसाइटी को चेंज कर सकता है, ऐसा फ्रेमवर्क 1854 को लॉन्च किया गया था और ये सब इम्प्लीमेंटेशन में भी आया था. नाउ हु वाज अ चार्ल्स वुड, ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है, इसको ही चेयरमैन बना दिया गया था चार्ल्स डिस्पैच थेरी का, और इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे और वो उसमें से बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन में भी आए थे. ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे. अब ये जो था सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच थेरी, इस थेरी में उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, तीन फेजेस में एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉलेज लेवल. प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो मदर टंग में देना चाहिए, मतलब क्या, वर्नैकुलर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन को. सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो दोनों लैंग्वेज में होनी चाहिए, एंग्लो और वर्नैकुलर लैंग्वेज. और जो कॉलेज लेवल है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लेवल यूज होनी चाहिए. ठीक है, और इस कमिटी ने, मतलब इस थेरी ने एक और प्रपोजल डाला था कि देयर शुड बी वन गवर्नमेंट, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल इन ईच डिस्ट्रिक्ट. अब जो इंडियन नेटिव्स है, ठीक है,
उनको मदर टंग में, वर्नैकुलर लैंग्वेज में ट्रेनिंग देने के लिए भी इस डिस्पैच थ्योरी ने ही प्रपोज किया था। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट स्कूल अगर एवरी डिस्ट्रिक्ट में होगा तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, तो यहाँ पे इस मैग्ना कार्टा ने प्राइवेट स्कूल्स को भी प्रमोट किया, ठीक है। एंड जो भी प्राइवेट स्कूल्स ओपन होंगे उनको ग्रैंड सीन एड भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये सब जो था वो यहाँ पे प्रपोज हुआ था। इट मॉडिफाइड द अर्लियर रेडिकल एंग्लिसिस्ट अप्रोच एडेप्टेड बाय मैकॉले इन हिज माइनूट रिलेटेड टू एजुकेशन। और इन्होंने और ज़्यादा क्या क्या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए थे, ट्रेडिशनल एजुकेशन शुड नॉट बी इग्नोर, मतलब दोनों एजुकेशन साइमल्टेनियसली देने होंगे, एक तो ट्रेडिशनल एजुकेशन भी और एक मॉडर्न एजुकेशन भी, ठीक है। जो भी प्राइवेट एजुकेशन दिया जाएगा तो उसको ग्रांटीनेड भी प्रोवाइड की जाएगी। मॉडर्न एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन इंग्लिश एंड वर्नैकुलर लैंग्वेज शुड नॉट बी इग्नोर, मतलब दोनों लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में, जो मीडियम एजुकेशन है और लोअर मीडियम है उसको वर्नैकुलर लैंग्वेज में प्रोपोगेट करना चाहिए। द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वॉज स्क्रैप। अब जब नया एजुकेशन सिस्टम आया है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, तो जो प्रीवियस थ्योरी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वो स्क्रैप हो जाती है क्योंकि वो यूजलेस थी। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक अपर क्लास स्टडी करेगा, एजुकेट होगा, तो उसकी डेवलपमेंट होगी। नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, डाउन मतलब मिडिल क्लास, वो कैसे एजुकेट होंगे ऑटोमेटिकली? अगर आप एक एक मासेस को एजुकेट करोगे तो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो सकती है, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वॉज फेल्ड टोटली, सो इट वॉज अ स्क्रैप। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन वॉज एज्यूम्ड बाय दी गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम हर एक मास को एजुकेट करेंगे। अब यहाँ पे उनका बेनिफिट था, अगर हर एक मास, हर एक पीपल, मतलब जो लोग थे वो अगर एजुकेट होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो लेबर कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर सकते थे। उनका वो जो मोटो था एडमिनिस्ट्रेशन का वो यहाँ पे फुलफिल होता है। तो एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन किया और वो तीन जगहों पे फॉर्म किया, एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। इन तीन जगहों पे यूनिवर्सिटीज ओपन की एंड ऑल्सो दे हैव ओपन डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन इन एवरी प्रोविंसेस, ठीक है। अब अगर डिपार्टमेंट ओपन किया है वो स्लोली एंड वेरी क्लोजली मॉनिटर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स शुड बी इस्टैब्लिश। अब जो टीचर्स है, जो पढ़ाने वाले हैं, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस किस तरह से आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। ये भी ट्रेनिंग सेंटर्स उन्होंने ओपन किए, इंस्टीट्यूशन ओपन किया, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी इन वर्नैकुलर लैंग्वेज और जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में एजुकेशन देना इस मैग्ना कार्टा ने प्रमोट किया। द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड इट वॉज स्क्रैप। उसके बाद ये जो थ्योरी है उसके वीकनेसेस क्या हुए? पर्पज वॉज नॉट टू अपलिफ्ट द इंडियंस, ये तो फिक्स था। मतलब जो एजुकेशन वो प्रमोट कर रहे थे वो एजुकेशन क्या था, अभी हमने डिस्कस किया, वो एक डेवलप्ड इंडियन सोसाइटी नहीं चाहते थे, वो एक वर्किंग क्लास डेवलप करना चाहते थे, ठीक है। इट वॉज मीन टू सर्व द कॉज ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वो डेवलप कर रहे थे उस सिस्टम को चलाने के लिए वो एक वर्किंग क्लास डेवलप कर रहे थे। एंड नेचर ऑफ सिलेबस मेनली डिजाइन टू यूरोपियलाइज द एम्परर। मतलब क्या कि जो सोसाइटी यूरोप में है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम सोसाइटी वो इंडिया में क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। उस टाइप का एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे थे पीपल्स को। एंड टाइप ऑफ एजुकेशन इट वॉज मेनली अ ह्यूमैनिटी एंड लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। अब मतलब क्या कि जो टेक्निकल साउंड पीपल है वो तो डायरेक्टली यूरोप से आते थे,
अगर हम यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन लोगों को देंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाएंगे और उनको यूरोपियंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो वो सिस्टम मेंटेन रहने के लिए, ठीक है, जो डोमिनेटिंग पावर है यूरोपियन का, वो डोमिनेंस रहने के लिए वो सिर्फ एजुकेशन सिर्फ कौन सा देते थे, ह्यूमैनिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, नॉट दे वर नॉट गिविंग एजुकेशन टेक्निकली साउंड। ये भी इसको एक ड्रॉबैक है, रूरल एंड बैकवर्ड रिमोट एरियाज वेयर निग्लेक्टेड। अब यहाँ पे जो भी एजुकेशन दिया जाता था वो सिर्फ मेजर सिटीज जो थी वहीं पे दिया जाता था, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही थी उनकी वो सिर्फ सिटीज़ में हो रही थी, जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिशर्स के वहाँ पे ही डेवलपमेंट हो रही थी, जो रिमोट एरिया है, लोकल एरिया है, वहाँ पे तो कोई एजुकेशन नहीं था, तो वो एरिया लैकिंग रह जाती है। इट ऑल्सो लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, मतलब सब सबको एजुकेशन नहीं मिलता था यहाँ पे, सिर्फ जो ऊपर मतलब अपर कास्ट जो लोग थे, रिच क्लास, उनको ही एजुकेशन मिलता था यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे वुमन्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। अब देखो जो फेजेस है, ठीक है, एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ। अब 1854 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा, राइट, तो उन्होंने चार्टर्ड एक्ट से बहुत प्रोविजंस सिस्टम में लाई, लेकिन मेन एडमिनिस्ट्रेशन, मेन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कब होता है, जब पावर जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ठीक है, और पार्लियामेंट रूल्स बनाते हैं रेगुलेशंस के, कुछ कमिटीज फॉर्म करके उस पर वर्कआउट फ्रेम करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तब से एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाती है वेरियस फेजेस में, तो उसका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, इट वॉज अंडर अ चार्ल्स वुड, ठीक है, उसको हम वुड्स डिस्पैच थेरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन था, ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो उसने क्या क्या प्रोविजंस इस एजुकेशन सिस्टम में डाले थे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या, क्रिएट एन इंग्लिश का क्लास अमंग द इंडियन पीपल टू बी यूज एज अ वर्क फोर्स इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो था एक मेजर रीजन। दूसरा, ही सजेस्ट दैट द प्राइमरी स्कूल्स शुड बी इन वर्नैकुलर लैंग्वेज, हायर स्कूल शुड बी इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड वर्नैकुलर लैंग्वेज, और जो कॉलेज का लेवल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। उसके बाद वोकेशनल एंड वुमेन्स एजुकेशन, इट वॉज स्ट्रेस अपॉन, मतलब यहाँ पे जो वुमन्स है उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आता है 1882 का हंटर एजुकेशन कमीशन। अब 1882 तक, ठीक है, मतलब जो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन है उसमें जो भी प्रोविजंस थी वो फॉलोअप किए गए थे, ठीक है। जब हंटर कमीशन अपॉइंट किया, तो ये कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था, जो भी वुड्स डिस्पैच थ्योरी, मतलब जैसे वक्त बीतता गया सोसाइटी भी डेवलप होती गई, ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशंस आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, तो उसका स्टडी करने के लिए, उसका रिव्यू लेने के लिए हंटर कमीशन बिठाया गया था। इट वॉज सेटअप बाय लॉर्ड रिपन। रिमार्क कन्फाइन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ पे जो, अब अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन और हंटर एजुकेशन कमीशन, तो मैग्ना कार्टा ने एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब फोकस कहाँ पे किया था, सिर्फ अपर एजुकेशन पे, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाती है उस पर ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन यहाँ पे हंटर कमीशन ने वो वीक पॉइंट निकाला कि यहाँ पे आपको फोकस सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन पे भी करना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अच्छी तरह से उनको दिए जाएंगे तो ही हायर लेवल में उनका एजुकेशन अच्छी तरह से हो सकता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हंटर कमीशन ने बताई। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड, वो यही पे नहीं रुके कि उन पर फोकस करना चाहिए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डाल दी और म्यूनसिपल बोर्ड्स के ऊपर डाल दी कि ये अब से प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन हैंडल करेंगे। उसके बाद लेसर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटी, मतलब क्या कि उन्होंने एक ऑब्जर्व किया, गवर्नमेंट सब भार उठा नहीं सकती, बराबर है ना, अगर आप 1,00,000 दे रहे हो एवरी ईयर फ्रॉम द बजट,
तो उतना सफिशिएंट नहीं है, टोटल पॉपुलेशन को अगर आपको पढ़ाना है, एजुकेशन देना है, तो उतना सफिशिएंट नहीं है। तो आपको जो प्राइवेट मेंबर बॉडी है उनको भी प्रमोट करना होगा। इसीलिए जो कंट्रोल है वो निकाल के वो प्राइवेट टेंडर्स को भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टुक नोटिस ऑफ लैक ऑफ फीमेल एजुकेशन। अब मैग्ना कार्टा में एजुकेशन सिस्टम जो थी उसमें वुमन्स को कोई एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन हंटर कमीशन ने ये पॉइंट आउट करके उनको भी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड कर लिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज कर सकते हैं कि फीमेल एजुकेशन सिस्टम पे किसने फोकस किया था, प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन को पर किसने फोकस किया था। मतलब अगर अब दोनों का कंपैरिजन करें, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन एंड हंटर कमीशन एजुकेशन, तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फेजेस में 1904 तक हंटर कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन है उन पे वर्कआउट होता है, और उसके बाद 1902 में रिले कमीशन आता है, ठीक है। तो ये कमीशन क्यों बिठाया जाता है? इट वॉज सेट अप टू गिव इन टू कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इंडिया, ठीक है, एंड टू सजेस्ट द मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग। यूनिवर्सिटी का स्टडी करने के लिए रिले कमीशन बिठाया गया था, और रिले कमीशन जो है वो सजेस्ट करता है कि एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास होनी चाहिए, और उसमें से भी एक रिकमेंडेशंस होने चाहिए, ठीक है। उनके रिकमेंडेशन से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनती है, ठीक है। तब के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट, इसमें क्या प्रोविजंस डाले थे कि जो भी यूनिवर्सिटी है इसमें नंबर ऑफ फेलोज दे वर रिड्यूस, ठीक है, एंड ऑल्सो दीज फेलोज दे आर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब क्या, अभी जो एग्जाम्स होते थे, अभी जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में कैसा चल रहा है कि एग्जाम्स कंडक्ट करके गवर्नमेंट मेरिट पे स्टूडेंट्स को हायर करते और एजुकेशन सिस्टम में लेते, वैसे तब के सिस्टम में गवर्नमेंट वॉज नॉमिनेटिंग द फेलोज इन द यूनिवर्सिटी, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट कुड वेटो रेगुलेशंस पास्ड बाय द सीनेट, अपॉइंटमेंट ऑफ लेक्चरर्स प्रोफेसर्स एंड गवर्नमेंट्स अप्रूवल ऑल्सो बिकम अ मैंडेटरी। अब यहाँ से एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या कि लेक्चरर्स को हायर करना, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, एक टाइम फ्रेम में उस सिलेबस को कवर करना, ठीक है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर प्रोफेसर, मतलब क्या स्पेशलाइजेशन होने चाहिए, तो ये सब यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले क्या होता था कि अगर एक प्रोफेसर है वो प्रोफेसर सभी सब्जेक्ट्स कवर करेगा, राइट, लेक्चर का शेड्यूल नहीं होता था, किसी भी टाइम पे मतलब लेक्चर को कंडक्ट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ से एक सिस्टम फॉर्म हो जाती है, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन का, ठीक है, एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटीज लूजिंग द पावर। मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी उनके पास अथॉरिटी थी कुछ भी करने की वो लूज हो जाती है, क्योंकि जो पावर थी वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व करता था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज, व्हाई गवर्नमेंट वॉज डूइंग ऑल दिस? गवर्नमेंट वॉन्टेड टू कंट्रोल द नेशनलिस्ट फीलिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे इंडिया में जो दो ब्रांचेस में इंडिया डिवाइडेड था, मॉडर्निस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो क्यों डिवाइडेड था? अगर आप स्टडी करोगे उनका तो देखा जाएगा कि मॉडर्निस्ट जो थे वो एजुकेशनल बेस्ड थे, मतलब उनमें से बहुत सारे एडवोकेट्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, राइट, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके यहाँ पे मतलब ज़्यादा डिग्री नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा हमारी सोसाइटी जो थी वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो उनके बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर ले लिया। अपने अंडर लेके उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लिए, फ्रेमवर्क्स फॉर्म किए, और उसके हिसाब से वो कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को चलाने लगे। उसके बाद
नेक्स्ट फेज है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। ये फ्रेम होती है 21 फरवरी 1913 को। अब ये पॉलिसी फ्रेम करने में हमारे इंडियंस जो लीडर्स थे उनका बहुत मेजर रोल है। क्यों? क्योंकि 1906 में क्या होता है, अ स्टेट ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूस्ड अ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। मतलब जो बड़ौदा के प्रिंस है, ठीक है, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर लिया उनके टेरिटरी में। तो यहाँ पे जो हमारे लीडर है गोखले, ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं और गवर्नमेंट को बोलते हैं कि, मतलब असेंबली जो होती है उनकी वहाँ पे, कि पूरे इंडिया में ऐसे सिस्टम होने चाहिए कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, जैसे बड़ौदा में 1906 में हुआ है। तो अब से गवर्नमेंट का ये रोल है कि गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करना चाहिए, ठीक है, बट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी एक्सेप्ट की टू रिमूव द इलिटरेसी। हम इंडिया से टोटल इलिटरेसी रिमूव करेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि कंपल्सरी एजुकेशन हम नहीं दे सकते सबको। क्यों? क्योंकि अगर सबको एजुकेशन देना है तो जगह जगह पे स्कूल्स खोलने पड़ेंगे और स्कूल्स खोलने के लिए पैसा लगेगा और पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये सब चीज़ें थी, तो इसीलिए उन्होंने एजुकेशन कंपलसरी जो है वो सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हम इलिटरेसी रिमूव कर सकते ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है 1917 और 18 को। तो अकॉर्डिंग टू सैडलर कमीशन स्कूल कोर्स जो है वो 12 साल का होना चाहिए। बेसिकली सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया था, जो बंगाल की कलकत्ता की यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसके लिए सैडलर कमीशन बिठाया गया था। लेकिन सब जो यूनिवर्सिटीज़ थी टोटल हमारे इंडिया में, सबकी कंडीशन सेम थी, तो जो रिकमेंडेशन सैडलर कमीशन ने दिए थे वो सब यूनिवर्सिटीज़ को बराबर इम्प्लीमेंट होते थे, ठीक है। तो इसका क्या मानना था कि जो स्कूल कोर्सेस है वो 12 इयर्स के होने चाहिए। इट ऑल्सो सेंट्रलाइज अ रेजिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, मतलब क्या, रेजिडेंशियल टीचिंग को उन्होंने इंकरेज किया। उसके बाद स्पेशल बोर्ड फॉर वुमन्स एजुकेशन भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंड ऑल्सो दे इस्टेब्लिश द वुमन्स एजुकेशन इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उसके बाद दे हैव ऑल्सो रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, और ऐसी 7 जगह पे उन्होंने डिफरेंट न्यू यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की थी, जैसे पटना, मैसूर, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ एंड ओस्मानिया। इस जगह पे नई यूनिवर्सिटीज का इंट्रोडक्शन हुआ था अकॉर्डिंग टू सैडलर्स यूनिवर्सिटी कमीशन। उसके बाद भी बहुत सारी कमिटीज आ गई, बहुत सारे प्लान्स बनाए गए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता गया। उसके बाद हरतोंग कमिटी आती है इन 1927-29। इट वॉज सेट अप टू रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑन एजुकेशन, ठीक है। मतलब क्या कि ऐसे फेजेस में हम एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस तो की है, तो उसके डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, अच्छी, मतलब अच्छा से अच्छा एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर सोसाइटी की करनी हो तो एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये टाइम टू टाइम हमको चेक करना चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम ऑनगोइंग करंट पोजीशन पे जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो अच्छा है या नहीं है। अगर उसमें लूप होल्स है तो वो लूप होल्स कैसे निकाल सकते हैं हम। इसीलिए टाइम टू टाइम कमिटीज़ बनाना, उसके ऊपर प्लान्स बनाना और वो एग्जीक्यूट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद वर्धा स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन आती है। इट वॉज सेटअप बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस अंडर झाकिर हुसैन। कब फॉर्म की गई थी ये? 1937 में। उसके बाद आता है सर्जेंट प्लान इन 1944। वाई इट वॉज मेड? इट एनविसेज अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द 6 and 11 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो 6 और 11 के बीच के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सर्जेंट प्लान ने रिकमेंडेशंस दिया था। उसके बाद 1948 to 1949 इसके बीच में राधाकृष्णन कमेटी ये फॉर्म की गई थी।
ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था। इस तरह ये जो जर्नी है एजुकेशन की, ऐसी हमारी एजुकेशन सिस्टम की जर्नी है। इस जर्नी में हमने देखा कि जो कंट्रोवर्सी थी एंग्लोसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, वो भी सॉल्व होती गई, और दोनों को हमने जितना इम्पोर्टेंट वर्नैकुलर को दिया, ठीक है, उतना ही हमने एंग्लोसिस्ट को दिया, और दोनों को कॉम्बो करके हमने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट किया। लेकिन जो एम था ब्रिटिशर्स का एजुकेशन देने में, वो गलत था, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इंडियंस को, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, उसमें बहुत निगेटिव चीज़ें होती थी, जैसे कि कम एज में शादी होना, सती प्रथा और विडो का रीमैरिज जो है, उसके बीच में जो दिक्कतें आती थी वो, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा थी। तो उससे निपटने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसने बहुत इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले किया इंडियन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो आज आप देख रहे हो कि जो हमारी आज की सोसाइटी है वो एक हाईली क्वालिफाइड, हाईली डेवलप्ड सोसाइटी है, ठीक है। तो इसका नतीजा आज की सोसाइटी है, ठीक है। अगर उस टाइम ब्रिटिशर्स ने इनिशिएट नहीं किया होता उनका एजुकेशन, तो आज कुछ और दिन होता, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ पे हमने पूरा एजुकेशन सिस्टम था, फेजेस में स्टडी किया, जो कमिटीज थी वो भी यहाँ पे डिटेल में स्टडी की, ठीक है। तो कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।